आ रही है आपके स्क्रीन पर। तो बड़ी जानकारी जो इस बीच प्रदेश से आ रही है, राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर। इस बीच राजस्थान में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, दिन में ही अब ठिठुरन महसूस होने लगी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पिछले 24 घंटों में तापमान में औसतन 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा, सिरोही, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में ठंड ने तेजी से दस्तक दी है। अजमेर और कोटा में भी तापमान सामान्य से नीचे आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, दिन में भी अब ठिठुरन महसूस हो रही है। ये बड़ी खबर। शनिवार को प्रदेश का मौसम जो है शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 60 से 100% के बीच रिकॉर्ड किया गया है। अजमेर और कोटा में भी तापमान सामान्य से नीचे नजर आया। शनिवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 60 से 100% के बीच रिकॉर्ड किया गया। अजमेर और कोटा में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा। शनिवार को प्रदेश का मौसम जो है शुष्क रहा। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो प्रदेश में मौसम बदलता अब नजर आ रहा है। राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में भी अब ठिठुरन महसूस होने लगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठंड अब जो है वो प्रदेश में नजर आ रही है। अजमेर और कोटा में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा। तो प्रदेश के तमाम हिस्सों में अब ठंड का असर दिखने लगा है। राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तमाम हिस्सों को लेकर बात की जाए तो ठंड का असर दिखने लगा है। दिन में भी अब ठिठुरन महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटों में तापमान में औसतन 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय, जानकारी आपसे चाहेंगे इस वक्त राजस्थान के मौसम को लेकर, किस तरीके की स्थिति इस वक्त मौसम को लेकर बनी हुई है, क्या तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, जब जब भी ठंड आती है तो मान सकते हैं कि जो ठंड का असर है सीधे तौर पर आम जनता पे पड़ता हुआ नजर आता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में ठंड जल्दी आ गई तो कुछ क्षेत्र में, कुछ शहरों में लेट आई है। यानी कि अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो राजधानी जयपुर में जो ठंड का असर है वो लेट देखने को मिला। जहां ठंड लेट आती है वहां ठंड देर तक रुकती भी है और तेज ठंड का जो असर है उन शहरों पर सीधे तौर पर देखने को मिलता है। वहीं अगर माउंट आबू, सिरोही और झुंझुनू, सीकर, चूरू इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे ठंड का जो असर है काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। तो मान सकते हैं आगामी दिनों में प्रदेश में जो ठंड का असर है वो सीधे तौर पर आम जनता पर देखने को मिलेगा और आम जनता इससे त्रस्त होती हुई नजर आएगी। वहीं सरकार की माने तो सरकार ने सीधे तौर पर आम जनता से गुजारिश करी है, अगर जहां ठंड हो, ओस हो, कोहरा हो, वो है आम जनता अपने घर से बाहर ना निकले, नहीं तो उनको क्षति हानि हो सकती है। तो मान सकते हैं कि आगामी दिनों में जैसे जैसे नवम्बर माह खत्म हो रहा है तब से कुछ दिन बाद दिसंबर माह शुरू होगा और ठंड का असर काफी तेज देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ठंड में ठंड का जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है और आम जनता जो लकड़ियां जलाकर अब उत्सुकता करते हुए सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। जी अक्षय, जानकारी आप ये भी चाहेंगे कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी दी थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने आपको बताया चूरू, झुंझुनू राजस्थान के वो शहर है, माउंट आबू जैसे, जहां ठंड का असर जो है सीधे तौर पर काफी तेज देखने को मिलता है। तो मौसम विभाग ने आम जनता से गुजारिश करी है अगर ठंड ज्यादा गलन की ठंड होती है तो वो लकड़ियों के अलाव का सहारा ले ताकि वो ठंड से बचाव कर सके। जी जी अक्षय, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
तो लगातार मौसम में तब्दीली अब जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 डिग्री की गिरावट जो है देखने को मिली है। भीलवाड़ा, सिरोही, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में ठंड ने तेजी से दस्तक दी है। तब्दीली देखने को मिली है मौसम में। अजमेर और कोटा में भी तापमान जो है सामान्य से नीचे देखने को मिला। राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में भी अब ठिठुरन महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटों में तापमान में औसतन 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। औसतन तापमान 2 डिग्री नीचे गिरा। भीलवाड़ा, सिरोही, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। लोग अब जो है ठिठुरते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा लेते भी लोग नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में भी ठिठुरन महसूस होने लगी है। दिन में भी जो है ठिठुरन देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में तापमान में औसतन 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। अजमेर और कोटा में भी तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। राजस्थान में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में भी ठिठुरन महसूस होने लगी है। अब भीलवाड़ा, सिरोही, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में ठंड ने तेजी से दस्तक दी है। तापमान जिस तरीके से गिरता नजर आ रहा है, आमजन भी जो है अब ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश के तमाम हिस्सों में सर्दी ने दस्तक दी है।